Welcome to Hills Life. I am Alicia Nunisa, bringing you the today's news bulletin. Now let's cover today's headlines. Strictest action against the killers of mentally retarded women demanded. Agriculture Commissioner and Secretary inaugurates sales center at Kalachand. Now the news in details. Strictest action against the killers of mentally retarded women demanded. Several organizations like Ladies Welfare Society, the Masa Mothers Association, Blue Hill Society, AROH, and others demanded stern action against the killers of mentally retarded women of New Tumbung village under Umrangso police station in a press conference held at Ladies Welfare Society on Wednesday. It is learned that Om Kumari Sharma, 45 years, wife of Sri Bhishma Sharma of New Tumbung village under Umrangso police station, was a mentally retarded woman, was missing from June 8th, and a fire was also lodged at Umrangso police station as well as Panimur outpost, but the police failed to find out the missing woman, following which the residents of New Tumbung initiated a search operation along with the police and led to the recovery of dead body of Om Kumari in a gorge near Panimur. The signs of the body claimed that the lady was brutally tortured and killed, with a sense of tension began to prevail in and around that area. All the speakers, while condemning the heinous crime meted out to mentally retarded women, expressed solidarity with the victim and fled the indifferent attitude of the administration as well as police administration. They also warned that if the administration fails to deliver justice to the victim of such brutality, they would not remain silent, and requested all concerned not to use any instigating remarks and give peace a chance to prevail in the district. Justice nahi mil raha hai, justice nahi. To ye lagging kahan hai? To zyada tar to hum log ko administration ki taraf hi aa jata hai. आज का ये हम चाहते हैं कि समरी में आज का ये जो प्रेस ब्रीफिंग का एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि आज आसाम में जिस तरीके का परिवेश हो रहा है कार्बियानों के घटना के लेकर और विभिन्न आगे घटना का क्रम से भी, कि एक सोशल मीडिया के अफवाह के जरिए एक बहुत बड़ा एक घटना हो गया, हमारा दो भाई कार्बियानों में घटना हो गया, तो इतना जल्दी उसी को लेके हमारे ओम कुमारी शर्मा जी जो तुम्बुंग गाँव के निवासी के ऊपर में एक अत्याचार हुआ, इसका रिलेटेड है। एक हमको ऐसा लगता है कि हम सभी ने जब स्टडी किया ग्राउंड में, कि एक साइकोताल का कुछ एक माइंडसेट चल रहा है या कुछ क्या है ये, कुछ एक सोच। तो इसमें सोशल मीडिया को भी हम जितना भी है यहाँ हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी जितना, सभी को भी हम अपील करना चाहते हैं, आप अपना अपना लेवल में भी, कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो ये पीस का जो एक डिस्टर्ब करने का जो कोई कुछ है क्या एजेंडा, ऐसा चीज आर उसको कोई रोल प्ले कर रहा है क्या, इसको भी हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकता है। जिस्टू हो सकता है घटना हम लोग देखा है, घटना हुआ है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है जिस्टू, ये हम लोग देखना जरूरी है, क्योंकि ये लगातार इस तरीका से आ रहा है कि जो कार्बियानों में घटना होने के साथ साथ आके सभी को पता है कि वो जो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब था, वो ऐसा डिस्टर्ब भी नहीं है कि किसी के ऊपर में वायलेंस करने वाला नहीं है। सारा उमरांगसु इलाका का आदमी को पता है उस महिला को, कि किसी का घर में आता है तो खाना देके वो जाता है, बात करता चल जाता है, सभी को पता है। तो जब उनको जाके जब यहाँ करके इतना इनह्यूमन हीनियस तरीका से जो मारा, जो फुटेज हम लोग के साथ भी है, बाद में हम लोग आपको शेयरिंग करेंगे, इतना इनह्यूमन तरीका से मारा और उसको तरफ जब वो डंपिंग किया गया पानीमूर के कुरुंग में, पत्थर के पास में एकदम नदी के पास में, तो वहां के आउटपोस्ट पानीमूर आउटपोस्ट के वहां हमने सुना है कि 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, अभी वो पानीमूर आउटपोस्ट के कस्टडी में है। तो अभी वो कल्प्रिट अभी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंचा या नहीं पहुंचा, थाना में पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसका प्रोग्रेस क्या है। तो एक ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए, हम रिक्वेस्ट करते सभी मीडिया फ्रेटर्निटी को, कि ये कोई कम्युनिटी के ऊपर में नहीं है, क्राइम इज क्राइम, विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। तो ये आज हमने जो सभी हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया कि हम लोग आप सभी तरीका से भी आप जाना, ये कोई गोरखा नारी के ऊपर हुआ ऐसा तरीका से नहीं, मैसेज कौन में नहीं होना चाहिए, एक ह्यूमिनिटी के ऊपर में हुआ है। तो इस तरह का हम लोग अगर हम लोग लेके जाएंगे साथ में, और साथ में कल हम एक्शन प्लान के हिसाब से कल हम डीसी को हम मेमोरेंडम सबमिट करेंगे थ्रू द होम मिनिस्ट्री को, आपको चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हेड है 6 शेड्यूल का, और हमारे काउंसिल के भी जो हेड है उनको भी हम लोग विभिन्न एड्रेस करेंगे, विभिन्न डेजिग्नेशन का हम लोग सबमिट करेंगे, हमारे ज्वाइंट सब जितने भी आज प्रेजेंस हुए और भी कोई भी प्रेजेंस नहीं हो सके, सभी को लेकर हम लोग करेंगे, उसका भी हम लोग आपको जानकारी दे देंगे। और साथ ही साथ ये जो विक्टिम को
जस्टिस मिलने के लिए हम एक प्रोग्राम भी लेंगे, जो हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट लोगों ने यहाँ जो बताया कि हमारा ये आपको जस्टिस नहीं मिलता, हम लोगों इमीडिएट एक हमने एक प्लान किया हुआ है, हम लोग इमीडिएट एक. Meanwhile, following pressure from the public, the police apprehended Bikas Sangma, 32, son of Satyan Marak, Raja Sangma, 18, son of Biren Marak, Boya Marak, 44, son of late Lal Bahadur Thapa of Pathor, Quarry, Garo Basti, and Sam to the court. If jo starting se leke last tak isko handle jo kiya tha, chhanbin kiya tha, humko organization kiya tha. 8 तारीख से मिसिंग था ये, और हम लोग जानकारी के मुताबिक 6:30 को एक दुकान के पास बैठा हुआ था. 8 तारीख से मिसिंग था, उसी दिन का उसके बाद में उसको दुकान के यहाँ पाया गया था. पानीमोड़ पत्थर क्वारी तो वहाँ हम लोग का एक गोरखालीडी और एक गोरखालीडी का एक दुकान है, वहाँ पे बैठा था. तो दो मर्द आके उसको खींच के लिखी गया, हम लोग पीडीपी का शायद ये बच्चा उठाने वाला औरत है ऐसा बोल के खींच के लिखी गया, बोल के हम लोग जानकारी आया. और एक तो पीडीपी है जेन्यून, वो मतलब वो पीडीपी में काम करता बोल के हमको ऐसा जानकारी भी मिला है. वो लोग लेके वहाँ से लेके जाने के बाद और उनका कुछ पता नहीं चला. उसका बाद में 8 तारीख जो लिखी गया, 9 तारीख में कुछ हल्ला वहाँ पे हुआ था कि ऐसा औरत आया था मार के फेंका बोल के हल्ला ऐसा कुछ हुआ था. और वही पानी मोड़ के पास में एक पुलिस आउटपोस्ट भी है, तो वहाँ में ऐसा हल्ला हुआ. ये तो हम एक बार पुलिस प्रशासन को भी ये थोड़ा नेग्लिजेंसी है, ऐसा अगर हल्ला हुआ ये तो उन लोग को जानकारी होना चाहिए था. बहुत डिले कर दिया उन लोग, कुछ छानबीन नहीं किया. उसके बाद में हम लोग का आंसू का जो ये था, हम लोग का पूरा रीजनल कमेटी था, वो जाके आपको 10 तारीख वहाँ गया, वहाँ जाके छानबीन किया और उसके बाद में वहाँ बात किया तो यहाँ मिला बोल के ऐसा पता चला. फिर 11 को हम लोग फिर वहाँ गया, वहाँ जाके पुलिस को जो ये दिया था, एफआईआर दिया था, ब्रंक्सू में भी दिया था, वहाँ भी दिया था. वहाँ जाने के बाद जो एक मंजय बसमतरी या कुछ बोल के एक था, वो शायद कार्बी वाला था, तो उसके साथ बात होते हुए में कुछ धक्का मुक्की लग गया. वो उतना में बाइक लेके अपना फैमिली लेके शायद बाइक में कार्बी वाला का ही चला गया बोल के सुना. उसके बाद में उस दिन फिर रात में हम लोग जाके बस्ती वाला ये पुलिस को फिर ये करके कंप्लेन करके कल जैसा भी ये इसका हल निकालना चाहिए, इसका डेड बॉडी निकालना चाहिए बोल के हम लोग बोला. उसके बाद में नेक्स्ट डे हम लोग गया, गया कल का दिन है, कल जाएंगे हम लोग पुलिस लोग को लेके और जितना AGS है और आक्सू ये सब कैडर सब मिल के छानबीन करके उनका डेड बॉडी हम लोग कल बरामद हुआ. और जानने के मुताबिक आप लोग देखा है उसका बदन में कपड़ा था, और जैसा हालत में डेड बॉडी मिला है बदन में एक कपड़ा भी नहीं. और हम लोग का जानने के हिसाब से उसका प्राइवेट पार्ट्स को काट के और बदन में भी काट उठ के ऐसा करके एकदम बुरा तरीके से, ये कि ऐसा इंसिडेंट कभी दिमाग समय नहीं हुआ था होगा. दूसरा बात है वो आदमी क्या बोला जो औरत को, अगर कोई भी आदमी अगर पुलिस को इन्फॉर्म करेगा उसका भी यही हालत होगा बोल के दो आदमी वो गाँव का 2-3 आदमी को था वो लोग वार्निंग ऐसा दिया है बोल के हम लोग सुना है. कौन वार्निंग दिया जो का ये कल्प्रिट है जो आप बोल रहे हैं तो बीजेपी का आपको जानकारी भी है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनका नाम क्या है? आइडेंटिफाई हमको मालूम नहीं, इसका डिटेल्स उसका साथ है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑलरेडी है. वार्निंग दिया है, उसका खिलाफ भी हम लोग FIR दिया है. अगर रिसेंट इंसिडेंट कल के दिन ओम कुमारी शर्मा जी, शी वॉज मोर देन 45 ईयर्स ओल्ड, उनका डेड बॉडी पाया गया, वो पानीमूर विलेज के पास पाया गया था उसका. एंड देयर इज ए सस्पिशन कि उनके साथ बलात्कार भी हुआ, मर्डर भी हुआ, बलात्कार भी हुआ. और इफ दिस इज ट्रू देन दिस इज एब्सोल्युटली शेमफुल फॉर अस, ये बहुत मतलब दुख का बात है. क्योंकि वो ओम कुमारी शर्मा जी, शी वॉज नॉट ओनली डॉटर ऑफ उमनासो, वो हमारे दिमाग और डिस्ट्रिक्ट का एक बेटी था. किसी का कोई हक नहीं होता है हमारे यहाँ के बहू बेटियाँ, हमारे बच्चों का, हमारे लड़कों का कुछ भी ऐसा करने के लिए. किसने हक दिया है लोगों को ऐसे मारने के लिए? लोग कहते हैं कि उसको खुची द्वारा खुपी द्वारा या क्या बोलते हैं वो चाड़ने पर ऐसे सोच के उसको लेकर गए, लेकिन पब्लिक को या किसी को भी हक नहीं बनता कि लोग को अपने हक मिले. उसके लिए
सोशल अरेंजमेंट है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से, पुलिस है, उनके पास देना चाहिए था। किसने उसके उन लोगों को हक दिया इसको बलात्कार करके उसको मारने के लिए? ए स्ट्रिक्ट एग्जाम्पलरी पनिशमेंट शुड बी मेड बाय स्ट्रिक्टली पनिशिंग दोज हु आर गिल्टी। सोच के मुझे बहुत दुख लग रहा है, इतना 45 इयर्स प्लस मेंटली रिटार्डेड था, फिर भी उसको ऐसा किया। कितना लो लेवल का थिंकिंग होगा ऐसे लोगों का। मैं अथॉरिटीज को तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द सारे कल्प्रिट्स को पकड़ें और उनको ऐसे पनिशमेंट दें कि फ्यूचर में कोई भी ऐसे करने से पहले 100 बार सोचे। हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोई भी लड़का हो या लड़की हो, कोई भी कुछ भी हाथ उठाने से पहले, ऐसा कुछ करने से पहले 1000 बार सोचे। दैट्स व्हाट आई अपील। एंड और एक बात बोलना चाहता हूँ, आज तक हमारे डिस्ट्रिक्ट को मैं प्राउडली बोलता था कि इट्स ए सेफ हेवन। मैं लोगों को भी बोलता था कि आइए हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ इंसिडेंट्स नहीं होता। लेकिन अभी ये जो ये वायरस आ रहा है, इसको फैलने से पहले ही रोकिए, इसको फैलने से पहले से नहीं, फैलने के पहले नहीं रोकने से लोग मतलब बुरा सोच को फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए आई रियली अपील टू द अथॉरिटीज, काइंडली स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दीजिए। थैंक यू। Agriculture Commissioner and Secretary inaugurate sales center at Kalachand. Despite continuous rain, the Commissioner and Secretary to the Government of Assam, Agriculture Department Sri Amlan Barua, IAS in presence of Jay Barman, Joint Director Agriculture, Executive Engineer Fayul Islam, District Agriculture Officer Thangnew J.P. Chetty, and hundreds of villagers inaugurated Sale Center for Agriculture Inputs etc. at Kalachand Seed Farm on Monday. Commissioner and Secretary to the Government of Assam, Agriculture Department Sri Amlan Barua IAS was on visit to the Mahasao as per the instruction of the Chief Minister Sarbananda Sonowal to all the senior officials of Government of Assam to visit once in a month. Barua inaugurated the ceremonial harvesting of summer paddy cultivation initiated by the Executive Engineer, Agriculture the Mahasao Division, Haflong, for the first time in the Mahasao. Addressing the gatherings of Farmers Commissioner and Secretary to the Government of Assam, Agriculture Department assured that the Government of Assam is very much committed to the welfare of the farmers, for which government has been providing various facilities to the farmers. He appealed to the farmers to avail these facilities to the fullest term. He also said the Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, is having a vision that by 2022, the farmers of India should increase their production, doubling which, as the Chief Minister Sarbananda Sonowal has also agreed and trying his best to help out the farmers to double their production, adopting improvised technology in the farming. নমস্কার, মই অমলান বৰুৱা, কমিশনাৰ এগ্ৰিকালচাৰ। মই অহা ইয়াত হেৰি দুটা কাৰণ। এটা হ'ল আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেখেতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে অসম চৰকাৰৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ প্ৰত্যেক মাহতে হাফলং এন চি চি আহিব লাগে, ডিমাহত আহিব লাগে। আৰু সেই হিচাপত মই মোৰ মে' মাহত অহাৰ কথা আছিলে, মে' মাহত মই কিবা মানে ব্যস্ততাৰ কাৰণত মই আহিব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে মই এতিয়া আহিছোঁ। আৰু দুই নম্বৰ, মই এন আৰ চিৰ এইটো ৰিজনেল অবজাৰ্ভাৰ। চ' এই দুটা কাম মিলাই মই আহিছোঁ আৰু আজি আহি পেলাই মই খুব হেৰি সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ কালাচান্দ ছিড ফাৰ্মত আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচাৰ, আমাৰ ডি অ', আমাৰ এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়াৰ একেলগে মিলি তেখেতসকলে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আই এম টোল ইন এন চি হিলছ দে হেভ ডান ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন অন ছামাৰ পেডি। আৰু মই ইয়াত আহি পেলাই মই ক্ৰপ কাটিঙতো মই ভাগ ল'লোঁ আৰু মই খুব দেখি মোৰ খুব দেখি মই হেৰি মই সন্তোষ পাইছোঁ যে ইয়াৰ ওচৰৰ মানুহবিলাকে ফুল ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু মই যাৰ লগত মই ইণ্টাৰেক্ট কৰিছোঁ লোকেল মানুহৰ লগত, তেখেতসকল ইচ্ছুক, দে ৱান্ট টু টেক দিছ আপ ইন দ্য নেক্সট ছিজন। চ' আই থিংক দিছ ইজ এ গুড অগৰি ফৰ দিছ ৰিজন এণ্ড উইথ আৰু আমাৰ অফিচাৰৰ ছাপৰ্টত। আৰু মই বিশ্বাস যে ইয়াৰ খেতিয়কসকলে যে এইটো যদি ছেকেণ্ড ক্ৰপ হিচাপে লয়, তেখেতসকলৰ নিজৰ ইনকাম ডাবলিং কৰিবলৈ তেখেতসকলে হেৰি মানে সমৰ্থ হ'ব। আৰু আজি লগতে ইয়াতে আহি পেলাই আমাৰ ইনপুট এটা ছেল কাউণ্টাৰ খুলিছে,
this will be a great boon to the farmers of this region. Karan etia nohole apnar input bisari tekhokole hoy half long jabo lage ba lamdim jabo lage etia tekhokolo ghoro osorte ami ayate sob input pabo seeds fertilizers pesticides agricultural tools and implements aru amoy dekhisu yat amar bahut subsidize kori amar nijor workshop on bonwa spade hoe weeder ebilak sob ase so I am sure that your local farmer will find these subsidized tools a great help for the agriculture. Thank you for watching our channel His Life TV. Please subscribe our channel for more updates. Thank you.